मैं हूँ विनय सिंह और कई व्यूअर के चॉइस पर हमने ये वीडियो चुना है। कई व्यूअर ने कहा था कि भारत में सबसे ज्यादा वर्ल्ड का डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं, तो ये वीडियो जो है वो डायबिटीज पर आधारित बनाइए। हम आपको आज बताएंगे कि डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। हमारी टीम ने इस पर काफी कुछ रिसर्च किया और हमने उसी के आधार पर ये वीडियो तैयार किया है कि डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इस वीडियो को हम आप तक भेज रहे हैं। डायबिटीज के प्रारंभिक लक्षण को बताएंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इससे निपटा जा सकता है। आपने अलग अलग प्रकार से यूट्यूब में और अलग स्थान पर भी आपने वीडियो देखा होगा जिसमें सटीक चीजें नहीं होती हैं और बहुत सी चीजों का नाम गलत बताया जाता है, इसके चलते जो डायबिटीज से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सही मायने में समझें तो भारत को विश्व का डायबिटीज कैपिटल कहते हैं, यानी कि विश्व की डायबिटीज की राजधानी के रूप में जाना जाता है। एक हेल्थ प्रोग्राम के रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में 128% डायबिटीज के पेशेंट की संख्या बढ़ी है। अब आप देखिए कि 13,20,000 पेशेंट 2016 में था, 2017 में इसके 30,00,000 पेशेंट हो गए और ये 2030 तक माना जा रहा है कि भारत के तकरीबन 15 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हो जाएंगे। तो लगभग ये जनसंख्या का 7वां-8वां भाग होगा जो डायबिटीज से होगा पीड़ित। सबसे पहले आपको बताएं कि डायबिटीज जो है इसमें कैसे आप समझेंगे कि डायबिटीज किसी को है किसी को नहीं है। ऐसे तो किसी भी 20-30 वर्ष के भी लोगों को कभी कभी डायबिटीज हो जाती है, लेकिन अमूमन डॉक्टरों का मानना है कि 40 साल के बाद ही डायबिटीज के लक्षण आते हैं। डायबिटीज के लक्षण में सबसे पहले आपको बता दें बार बार प्यास लगना। अगर एक ही दिन में आपको जरूरत ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन पे प्यास लगना शुरू हो जाए तो थोड़े ये पहचानने वाले सिम्टम्स होते हैं कि आप कभी पानी नहीं पीते हैं और अचानक से आपका बार बार प्यास लग रहा है, और साथ में बार बार पेशाब आना, ये भी इसके दूसरे लक्षण में जाना जाता है कि आप बहुत ज्यादा पानी भी पी रहे हैं और बार बार आपको पेशाब भी करने की इच्छा हो रही है। कभी कभी देर रात को भी उठ करके जाना पड़ता है, तो ये कंडीशन हो जाता है कि पहले ऐसा सिम्टम्स नहीं था और अचानक से आपके शरीर में आ रहा है। तेजी से अगर वजन घट जा रहा है, मतलब वो 2 के साथ अगर आपका वजन घट रहा है, हम आपको फिर से याद दिला दें कि ये वीडियो हमने कई डॉक्टर से परामर्श लेकर के उनकी गाइडलाइन में तैयार किया है, तो इसमें कोई भी चीजें हमारी ओर से नहीं बताई जा रही है, तो आप इसको बहुत केयरफुल्ली सुनेंगे और इसे आप यूज भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदे का वीडियो होगा। और इसके बाद आपको बता दें वजन घटने के बाद दूसरा इसका सिम्टम्स होता है कि जैसे ही आप खाना खाएंगे तो उस समय तो आपको लगेगा खाना हमने भर पेट खा लिया, बट कुछ देर के बाद फिर से भूख लग जाना, तो बार बार भूख खाने की इच्छा तीव्र होना भी डायबिटीज के लक्षण होता है। हाथ और पैर में बार बार झुनझुनी पकड़ लेना या अकड़न जैसा हो जाना कि जैसे आप बैठते हैं तो अकड़न आता है, तो डायबिटीज माना जाता है कि शुगर लेवल इसमें ज्यादा हो गया होगा। त्वचा में और मसूड़े में कहीं कहीं पर संक्रमण की बीमारी शुरू हो जाती है, ये भी डायबिटीज का लक्षण होता है। जख में अगर कोई होगा बहुत ज्यादा, जब डायबिटीज होता है तो आपके घाव नहीं सूखेंगे, कहीं कट जाएगा तो सूखने में काफी दिक्कत होता है। इसके अलावा खुजली और बार बार थक जाइएगा आप तुरंत, तो ये तो बहुत नॉर्मल से चीजें हैं और ये लक्षण आ जाता है। कुछ रिस्क फैक्टर भी होता है, जैसे कि अगर आपका उम्र जो है 30 वर्ष से अधिक है तो ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। वजन सामान्य से अधिक है या मोटापा है तो ये भी एक दिक्कत होता है। और परिवार में माता या पिता में से किसी एक को अगर डायबिटीज रहा है तो ये भी एक कारण होता है। ये नॉर्मलाइजेशन जैसी दिक्कतें आती हैं कि नॉर्मल रूप से ये सारे सिम्टम्स हैं जो किसी व्यक्ति को डायबिटीज की ओर ढकेल सकता है और डायबिटीज का वो पीड़ित हो जाता है। अब जैसा हमने बताया कि भारत में अभी भी वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, 2030 तक ये संख्या बढ़कर के 15 करोड़ हो जाएगा।
तो इसको आप ऐसे समझें कि जितनी कोशिका आपके शरीर में है, जो टिश्यू जिसको बोलते हैं, तो उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ शुगर की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप चीनी एकदम नहीं खाइएगा तो डायबिटीज नहीं होगा, और एकदम आलू नहीं खाएंगे, शकरकंद नहीं खाएंगे तो डायबिटीज नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता है। आपके शरीर को चीनी तो चाहिए होगा, शुगर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, लेकिन कितना चाहिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर वो जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाएगा तो डायबिटीज का पेशेंट काउंट हो जाता है। तो पहले समझना, जो दिग्भ्रांति है लोगों के अंदर कि उनके शरीर में चीनी थोड़ा भी नहीं खाएंगे, अब तो चीनी की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि आपकी जो टिश्यूज है, जो कोशिका है, ये बिना शुगर का काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करता है। तो एक कोशिका भी शुगर का एक हार्मोन से पहुंचता है जो इंसुलिन के रूप में आप जानते हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं है, या शरीर से इंसुलिन के प्रति जो है प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है, तो रक्त में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। मतलब इंसुलिन कंट्रोल करके रखता है, जितना जरूरत है उतने शुगर जाने देता है। अगर वो घट गया आपके बॉडी में, तो ब्लड का लेवल जो होगा, शुगर लेवल, वो बढ़ जाएगा, और इसी को बोलते हैं डायबिटीज। तो अनियंत्रित डायबिटीज के कारण जो होता है रक्त में ये शुगर का स्तर जो है काफी बढ़ जाएगा। इसको हाइपरग्लाइसेमिया वर्ड होता है, ये जो डॉक्टर के भाषा में बोलेंगे तो हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जाना जाता है। तो डायबिटीज जीवन शैली से संबंधित एक क्रॉनिक डिजीज माना गया है, और इसमें इसका बचाव बहुत इजी माना जाता है कि अगर आप हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करते हैं सुबह और शाम को, तो ये फायदेमंद होगा। तनाव भी कम होना चाहिए, तो अर्ली स्क्रीनिंग इसमें माना जाता है। अब डायबिटीज को डॉक्टर के भाषा में अगर समझाया जाए तो इसे दो तीन प्रकार का माना जाता है। पहला प्रकार होता है जिसमें टाइप वन बोला जाता है, मैंने बचपन में ही एक ऑटो इम्यून कंडीशन के रूप में विकसित हो जाती है किसी के बॉडी में, और ये जो आपकी पैंक्रिया है वो इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है, ये बहुत कम मात्रा में करता है, तो डायबिटीज शुरू हो जाएगा। जो आप सुनते होंगे कभी कभी कि मतलब आश्चर्यजनक रूप से कि 15 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को डायबिटीज हो गया, उसका कारण होता है टाइप वन, जो पैंक्रिया से जितना बनना चाहिए इंसुलिन वो नहीं बन रहा है। टाइप टू जो होता है ये मेन है भारत में, जो 90% मरीज इसी प्रकार के हैं टाइप टू, इसमें शरीर में हार्मोन जो है इंसुलिन वाला वो थोड़ा काम करना कम कर देता है ज़्यादा एज के साथ में, और इसमें ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन इसको अगर आप केयरलेस कीजिएगा तो गंभीर हो जाएगा। एक और होता है गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं इसे, जो गर्भावस्था के दौरान होती है, माँ और बच्चे दोनों को हो जाता है। इसके लिए टीका आता है, वो आप लगवा सकते हैं। तो ब्लड शुगर टेस्ट एक इसमें है, 45 वर्ष अगर आपकी उम्र हो रही है तो आप इसमें जरूर से ब्लड शुगर टेस्ट करवाइए, और इसको मैनेज करने के लिए आपको बता दें कि 3 साल में एक बार पारिवारिक इतिहास होने पर प्रतिवर्ष कराएं। मतलब किसी के माँ पिताजी को अगर है डायबिटीज तो उनके बच्चों को कम एज में ही 30-35 वर्ष की उम्र में ही करवाना शुरू कर देना चाहिए। एक और टाइप होता है डायबिटीज का जिसमें वयस्क लोगों को होती है, इसे मैनेज करने के लिए इंसुलिन या ओवरी सिंड्रोम जो होता है वो लेने की जरूरत होगा। इसमें गर्दन का पीछे वाला जो आपका हिस्सा है वो थोड़ा डार्क कलर का हो जाएगा, मतलब एकदम गहरा डार्क होने लगता है, और त्वचा पर सूखा और लाल धब्बा आने लगेगा आपके बॉडी में, तो आपको समझ लेना है कि वो लास्ट वाला 1.5 का जो होता है ज़्यादा डेंजरस होता है, ये हाइपरटेंशन और थकान बहुत ज़्यादा होगा, ये वाला जो डायबिटीज है इसमें तो इंसुलिन की इंजेक्शन की ज़रूरत महसूस हो जाती है। अब इसमें कई लोगों ने लिख रखा था कि वो तो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद भी डायबिटीज हो रहा है तो करे तो क्या करे। देखिए ये ब्लड प्रेशर 120/80 जैसे होता है, ये भी एक नॉर्मल होना चाहिए,
आपका अगर है तो खाली पेट में शुगर की जो मात्रा है 90 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, और अपनी कमर का घेरा 32 इंच से कम और पुरुष 35 इंच से कम कर ले अगर, तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिलीग्राम से कम हो जाएगा, और ये बहुत फायदा होगा, इसलिए बोला जाता है कसरत को करने के लिए। और डायबिटीज का दायरा बढ़ रहा है, ठीक है, आंकड़ों की पूरी दुनिया में सोचेंगे तो 45 करोड़ लोगों को डायबिटीज है पूरे वर्ल्ड में, भारत में ही इसकी तादाद 1 करोड़ है, जनसंख्या भी यहाँ पर ज्यादा है। पोलैंड में इसके लिए रिसर्च सेंटर है वारसा में, और वहाँ के लोगों ने कहा है कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, डायबिटीज किसी को होता है ना तो हार्ट अटैक बढ़ जाता है, और इसके लिए लोगों को ये ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो कभी भी धूम्रपान नहीं करे। जितना ज़्यादा आप अल्कोहल लेंगे, चीनी से बने हुए चीज़ों का अगर सेवन करते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक भी पीते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि डायबिटीज का एकदम से मतलब नहीं है कि एकदम डरावना है। हाँ, इसमें थोड़ी परहेज आप कर सकते हैं सबसे, और परहेज में ये कुछ चीजें जो है नुस्खा जिसे कहा जाता है, अभी सेगमेंट पर आएंगे हम कि कैसे आप इसको कम कर सकते हैं। ऐसे तो देखिए एलोपैथिक में इसकी दवाई है, और ऐसा डॉक्टर का कहना है कि आपने दवाई शुरू किया है तो आपको ये हमेशा खाना पड़ेगा, लेकिन दवाई बिना खाए भी आप ठीक हो सकते हैं कुछ, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप रेगुलर जैसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में चिरेता नाम का जड़ी बूटी होता है जिसको आप पानी में थोड़ी सी रात को डाल करके सुबह 1 कप के जैसा पी सकते हैं। हम सारी चीज़ डॉक्टर के सलाह पर बता रहे हैं। इसी प्रकार से काली मिर्च का पाउडर बना करके, या फिर जामुन के बीज का जो पाउडर आता है और मेथी के पाउडर, तीनों को मिक्स करके अगर आप डेली 1 चम्मच पीते हैं तो बहुत हद तक डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है। कई लोगों के ऊपर डॉक्टर ने इसे अजमाया है, इससे साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। कई कई लोगों ने इसके लिए भिंडी का को काट करके भी आप पी सकते हैं सुबह उठकर, लेकिन ये समझना है कि आप सिर्फ इसके बदौलत नहीं रह सकते हैं कि हमने ऐसा कर दिया तो हो गया है। हमारी जो खान पान है रेगुलरिटी में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत देर तक अगर भूखे रहते हैं तो डायबिटीज का खतरा आपको हो जाएगा, और एक ही बार में ज्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर डायबिटीज का खतरा हो जाएगा। तो अगर डायबिटीज है आपको तो आपको खाने का डोज जो होगा उसको अंतराल पे कर देना है। आप 2-2 घंटे पे या 5-6 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, एक ही बार में नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। भूख लगती है, खाना नहीं भी खा रहे तो पानी कम से कम पीते रहे, इससे भी बहुत कंट्रोल हो जाता है। याद रखना है कि एक दिन में डायबिटीज आपको हुआ नहीं होगा और एक दिन में समाप्त भी नहीं होगा, इसलिए आप एक्सरसाइज जरूर करें, मतलब किसी भी मौसम में हो 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, जैसी आपकी कैपेसिटी हो आप एक्सरसाइज अगर करते हैं, आपके स्वेट्स पसीना बाहर आते हैं तो इजी होगा। जैसे हमने बार बार बताया कि शरीर को ग्लूकोज चाहिए होगा, आपका जो चीनी है वो बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, बिना शुगर का आपके कोई बॉडी के नर्व्स काम नहीं करेंगे, और अगर चीनी का लेवल बहुत कम हो जाएगा तो आपको थकान जल्दी आएगा, सुस्त हो जाएगी बॉडी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चीनी ज्यादा खाना है, तो जैसे आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल होता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वैसे ही शुगर लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। तो इसमें जो जमीन के अंदर जितनी चीजों की खेती होती है उसको अवॉइड करना है, चीनी किसी भी हालत में नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, और अगर आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कसरत रेगुलर करते हैं, और जिन चीजों का हमने बताया आपको कि उसका आप सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सारी चीज फिर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बहुत से डॉक्टर का मानना है कि चावल से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो आपके कैलोरी डाइट में आता है, अब आप कितना लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन लोगों के मन में एक ऐसा डर होता है कि आलू नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, लेकिन वो ना तो कसरत करेंगे, ना मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करेंगे, ना वो खेलेंगे, तनाव में है, तो फिर तो आप चावल खाइए नहीं खाइए, आप आलू खाइए मत खाइए, बट आपको डायबिटीज तो होगा, और धूम्रपान नहीं छोड़ते हैं तो आप कितना भी दवा खाएंगे, धूम्रपान कर रहे हैं
स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो आपका डायबिटीज रहेगा और वो दिक्कत आपको हमेशा महसूस होते रहेगा। इसके अलग अलग चरण को अगर देखा जाए तो आपके आपको ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ दैनिक दिनचर्या, और अगर पुराना किसी को नहीं है आपके परिवार में तो उम्र के साथ अगर आप डाइट कंट्रोल कर लेते हैं तो आप समझिए कि कभी डायबिटीज नहीं होगा। ऐसा लोग मानते हैं कि डायबिटीज अकेले नहीं है, डायबिटीज एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। अगर आप किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो वो कई बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, धीरे धीरे उसको शरीर के अन्य टिश्यूज पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इसमें प्रिकॉशंस लें, और आप पैदल अगर जितना ज्यादा चलते हैं, अभी जो पॉसिबल नहीं होता है आम लोगों के लिए पैदल चलना, अगर वो आप पैदल चलने में अगर आप सक्षम है और पैसे वाले भी हैं तो कोशिश करिए कि पैदल चले, गाड़ी से थोड़ा कम चले। तो पैदल चलेंगे तो आपको डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, और नियमित इसमें चेकअप करवाना, ये सारी चीजें हमने बताया। लेकिन इसी आशा पे आपको ऐसा नहीं करना है कि चेकिंग नहीं करवाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो ये कई व्यूअर ने लिख रखा था कि आपके, चूंकि हमारी जो चीजों को भेजते हैं वो प्रूफ रीडिंग के साथ होती है, प्रूफ रीडिंग इन द सेंस हुआ कि बिना डॉक्टर के सलाह का, बिना जानकारी का ऐसे ही नहीं कोई भी चीज हम लोग भेजते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी हर वीडियो के जैसा बहुत पसंद आएगा, और आप इसको भी लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।